सुजलॉन एनर्जी, इंडिया के अंदर 33% मार्केट शेयर के साथ सुजलॉन एनर्जी यहाँ पे लीडिंग कंपनी के हिसाब से दिखाई देता है इंडिया के अंदर एज अ विंड कैटेगरी। तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे सुजलॉन एनर्जी के ऊपर एक जो एक चैलेंज दिखाई दे रहा है उस चैलेंज के बारे में, साथ ही साथ जान लेंगे गुड न्यूज के बारे में जो सुजलॉन एनर्जी को बहुत जल्दी मिल सकता है। अगर आप कंपनी को प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप करते हैं तो 57.5% विंड टर्बाइन जनरेटर्स के अंदर, आपका फाउंडरी एंड फोर्जिंग के अंदर 8.6% एंड 33.7% आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर आपको दिखाई देगा। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू को जियोग्राफी वाइज भी ब्रेकअप करते हैं तो 83.2% इंडिया से, 1.9% यूरोप, यूएसए एंड कनाडा के अंदर, 8.9 एंड 6.1% अदर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादातर कंपनी मेंटेनेंस के थ्रू यहाँ पे अर्न करते हैं जो 96.8% से लीड करते हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं क्या चैलेंज कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ क्या गुड न्यूज कंपनी के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के ऊपर चैलेंज बोलिए या बैड न्यूज बोलिए वो आपके सामने है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप इंडिया के अंदर बिगेस्ट विंड टर्बाइन लॉन्च करने वाला है और ये आपका 5.2 मेगावाट का प्रोटोटाइप होगा, एक आपका मुंद्रा के अंदर और दूसरा गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ये लक्ष्य रख के आगे चल रहा है कि इंडिया के अंदर एक लीडर कंपनी बनना है, साथ ही साथ वर्ल्ड मार्केट के अंदर भी अदानी ग्रुप को एक लीडर पोजीशन होल्ड करने का है विंड सेक्टर के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस बहुत पहले से कंपनी चालू कर दिए है और ये प्रोसेस कंपनी बहुत पहले भी ट्राई भी कर चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंट कंडीशन में ज़्यादा पॉजिटिव इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस है रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर। तो इसीलिए अभी जो ये प्रयास कंपनी ने चालू किया है ये अचीवेबल नज़र आ रहा है। तो ये न्यूज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज सुजलॉन एनर्जी के लिए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर और भी न्यूज़ ये है कि ये जो मैन्युफैक्चर होगा ये पूरा अदानी ग्रुप खुद करेगा और ये पूरा इंडिया के अंदर होने वाला है, तो ये मेड इन इंडिया कहलाएगा। और अदानी का यहाँ पे लक्ष्य ये है कि ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर के साथ साथ इंडिया के अंदर जो लीडर है उसको सेल भी करेगा और ये एक्सपोर्ट के मामले में भी बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेगा फ्यूचर में। और यहाँ पे खबर ये भी आ रहा है कि न्यू बिजनेस जो कंपनी यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ये नया कंपनी के थ्रू कर सकता है। अगर आप अदानी ग्रुप का फ्यूचर गोल की बात करें तो 2030 तक ये कंपनी 45 गीगावाट का कैपेसिटी यहाँ पे अचीव करने वाला है। अगर आप सुजलॉन से इसको कंपेयर करेंगे तो सुजलॉन के पास 20 गीगावाट का कैपेसिटी है, तो उस तुलना में यहाँ डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पे अचीव करने वाला है 2030 तक। तो ये सुजलॉन एनर्जी को पीछे पछाड़ देगा वो भी बहुत ही जल्दी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज फ्यूचर में देखने को मिलेगा सुजलॉन एनर्जी के लिए। बाजार के अंदर ये भी न्यूज़ आ रहा है कि सुजलॉन एनर्जी को यहाँ पे अदानी ग्रुप कैप्चर कर सकता है, लेकिन ये भी अदानी ग्रुप के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि कंपनी का सिचुएशन, सुजलॉन एनर्जी का रिसेंट कंडीशन में सिचुएशन है वो उतना बेहतरीन नहीं है। तो किस वैल्यूएशन को इसको खरीदेगा वो भी एक चिंता का विषय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और सुजलॉन एनर्जी को एक्विजिशन के रिलेटेड कोई भी न्यूज मार्केट में अभी तक नहीं है, ऑफिशियली अभी तक कोई भी नहीं है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि सुजलॉन एनर्जी को यहाँ पे अदानी ग्रुप यहाँ पे एक्विजिशन क्यों करेगा और क्यों नहीं करेगा। क्यों करेगा का पीछे का दो रीजन यहाँ पे मेनली आपको दिखाई देगा। 2030 तक अदानी ग्रुप को यहाँ पे 40 गीगावाट का कैपेसिटी ले जाना पड़ेगा, अभी कितना है 10-12 आपको दिखाई देगा। तो 40 गीगावाट ले जाने में कंपनी को बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके बाद 40 गीगावाट कैपेसिटी यहाँ पे अचीव करेगा। अगर सुजलॉन एनर्जी को यहाँ पे रेडीमेडली ले लेता है तो कंपनी को 20 गीगावाट का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ईजिली कंपनी को मिल जाएगा, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा एक कारण है सुजलॉन एनर्जी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही पुराना है एंड बहुत ही एक्सपीरियंस कंपनी के पास बहुत ही पुराना है, तो ये जो एक्सपीरियंस है वो अदानी ग्रुप के लिए काम आ सकता है अच्छा खासा प्रोजेक्ट एक्विजिशन के कारण। तो अगर सवाल ये है कि इन्वेस्ट क्यों नहीं करेगा, उसका पीछे का एक कारण दिखाई देगा वो है वैल्यूएशन। जैसे कि आपको पता है सुजलॉन एनर्जी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा मौजूद है, तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए अदानी ग्रुप यहाँ पे पीछे जा सकता है। तो चलिए अभी बात करते हैं एक गुड न्यूज के बारे में जो सुजलॉन एनर्जी को बहुत जल्दी मिल सकता है, वो है ऑफशोर यहाँ पे एक बिड निकलने वाला है गवर्नमेंट के थ्रू। कितना कैपेसिटी का, यहाँ पे 2 गीगावाट का, और ये बहुत बड़ा माना जाता है।
तो आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बिड निकलता है और ये सुजलॉन एनर्जी को मिल जाता है तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा सुजलॉन एनर्जी के लिए। अगर आप सुजलॉन एनर्जी का ऑर्डर बुक देखते हैं तो 900 मेगावाट के आसपास कंपनी का ऑर्डर बुक अभी भी पेंडिंग है और जितना भी ऑर्डर कंपनी को मिलता है वो सेंट्रल के थ्रू भी मिलता है, इवन स्टेट के थ्रू भी मिलता है, इवन कंपनी के थ्रू भी मिलता है। तो ये भी एक चांसेस है कि सुजलॉन एनर्जी को ये 2 गीगावाट का जो ऑफशोर बिड निकलने वाला है वो कंपनी को मिल जाए। अगर इंडिया का क्लीन एनर्जी के ऊपर कैपेसिटी की बात करें तो 160 गीगावाट अभी रिसेंट कंडीशन में इंडिया कंज्यूम करते हैं और हर साल ये इंडिया यहाँ पे 10-15 गीगावाट यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है। तो ये विंड या हाइड्रो इवन सोलर ये सब मिला के आता है। तो रिसेंट कंडीशन में 2 गीगावाट का जो गवर्नमेंट का बीड है वो निकलने वाला है, 9 गीगावाट का हाइड्रो का एंड 4 गीगावाट का यहाँ पे सोलर का निकलने वाला है। तो अगर आप स्पेशली सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो अभी भी इंडिया के अंदर नंबर 1 प्लेयर है विंड एनर्जी के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड मार्केट के अंदर टॉप 10 में नाम आता है सुजलॉन एनर्जी का। तो अगर ये शेयर आपके पास है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर आप निवेश करेंगे तो रिस्क को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, कंपनी के पास कर्जा भी है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा है। जितना भी रिस्क है उतना ज्यादा कंपनी में रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। कंपनी के अंदर रिसेंट कुछ क्वार्टर देखते हुए कंपनी अभी अट्रैक्टिव लग रहा है और फ्यूचर भी कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज कर रहा है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, तो वहां पर डिमांड बढ़ेगा तो सुजलॉन एनर्जी को फायदा भी मिलेगा। और कंपनी का जो 84% का मार्केट शेयर, यहाँ पे जो कंपनी रेवेन्यू अर्न करते हैं उसमें से 84% वो इंडिया से ही करते हैं, तो डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर अभी भी दिखाई देगा। इवन कंपनी का ऑर्डर बुक की भी बात करें तो अच्छा खासा ऑर्डर बुक कंपनी के पास अभी भी मौजूद है। तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए, वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए तभी आपको निवेश करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.